एक बार फिर चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। दिल्ली में सुरक्षा घेरा फांदते हुए एक युवती बाड़े के गहरे पानी में कूद गई। गनीमत थी कि यह बाड़ा पेंटेड स्टार प्रवासी पक्षियों का था। युवती ने अपनी 50,000 की अंगूठी खोजने की खातिर यह कदम उठाया। इस दौरान बाड़े के आसपास कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। इस तरह की एक अन्य घटना सितंबर 2014 में हुई थी, जिसमें सफेद बाघ के बाड़े में मकसूद नाम का एक शख्स कूद गया था। इस शख्स पर विजय नामक बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पक्षियों को निहारने के दौरान इस युवती की कीमती अंगूठी बाड़े के गहरे पानी में गिर गई थी। निर्माण विहार में रहने वाली युवती दोस्तों के साथ चिड़ियाघर पहुंची थी। अंगूठी की कीमत करीब 50,000 रुपए थी। युवती ने जान की परवाह न करते हुए सुरक्षा ग्रिल को पार कर बाड़े में छलांग लगा दी। जहां यह युवती कूदी थी वहां करीब 5 फीट गहरा पानी था। इस दौरान बाड़े के किनारे खड़े लोगों ने इसी सूचना चिड़ियाघर प्रशासन को दी। करीब 20 मिनट बाद चिड़ियाघर के कर्मी पहुंचे और वे भी युवती को बाहर निकालने की जगह पानी में अंगूठी तलाशने में लग गए। हालांकि युवती और चिड़ियाघर कर्मियों के काफी प्रयास के बावजूद अंगूठी हाथ नहीं आई। वहीं युवती के दोस्तों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंगूठी गिरने की जानकारी वन्य कर्मी को दे दी गई थी, लेकिन उनसे कोई सहयोग नहीं मिला। इस कारण युवती को बाड़े में कूदना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर चिड़ियाघर की निदेशक रेणु सिंह ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो इसकी जांच करवाएंगे। कुल मिलाकर यह बाड़ा अगर किसी खतरनाक जानवर का होता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था।